हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ के अंदर जितने भी भवन बनाए गए हैं इनका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है और क्या कुछ नए अपडेट हैं, क्या काम हो रहे हैं, सारी चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग भवन बने हैं, जैसे कि एक ये हो गया सामने, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा जिसमें हम हैं, तो ये अलग अलग इनका नामकरण कर दिया गया है। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये ब्यास भवन है, यहाँ पर वहाँ पर उसका नामकरण किया गया होगा। ठीक है, सबको पास से चल के करीब से देखते हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से भक्त स्नान करके गंगा जी में और इसी गेट से अंदर आते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये इटली से मंगाई गई स्पेशल लाइट हैं और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं काम हो रहा है। ये एक मंदिर है और अभी मैं एक इस भवन में हूँ। सभी भवन का अलग अलग नाम मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये देखिए कुछ छोटे छोटे टेंपल जो हैं कि मंदिर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, देखिए अपना ही नाम है, बस स्पेलिंग अलग है, SUDHEER और SHIR, सुधीर रेंटल, और आप देख रहे हैं सुधीर पांडे विलॉग। आइए आगे चलते हैं और उसके बाद जो तमाम भवन हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, कॉरिडोर के इनसाइड क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। अमरनाथ संकुल ये देख सकते हैं कि आप, अभी हम इसी गलियारे के अंदर से आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर भवन बने हुए हैं उनके सभी के अलग अलग नाम हैं और इन नाम की वजह से आप अपने घर का भी नाम रख सकते हैं, अपने भवन का भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि एक आपके सामने दिख रहा होगा सोमनाथ भवन, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये दिखाने का एक मकसद ये है कि जो नामकरण किया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी और कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कि अलग उस भवन में की जाएंगी। जिस प्रकार से उसका नाम होगा उस प्रकार से ही उसी का काम होगा। और यहाँ पर देखिए माता रानी का एक बढ़िया से स्टैचू, आपको हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, ये जो नीम का पेड़ है ये जैसे ही बड़ा होगा काफ़ी छाया देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये बगल में लॉकर आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए अमृत भवन है ना, कितना बढ़िया नाम है अमृत भवन। आप भी अपना घर मकान बनवा रहे हैं तो उसका नाम रख सकते हैं अमृत भवन। तो ये देखिए घृणेश्वर भवन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अलग अलग जो भी बिल्डिंगें हैं उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की खूबसूरत प्रतिमा और बगल में ये रामेश्वर भवन। तो आप भी अपना जब घर बनवाएं तो कुछ ऐसा ही नामकरण रखें, ये नहीं जैसे कुछ लोग बाहर लिखवा देते हैं ना, गुप्ता भवन, यादव जी के भवन और ऐसे लिखवा देते हैं, मिश्रा भवन, पांडे भवन, पांडे निवास, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अपना कुछ ऐसा नाम इस प्रकार से आप रख सकते हैं ताकि यादगार हों और लोगों को बोलने बताने में अच्छा रहे, ताकि जब भी आपके बच्चे कोई चीज़ फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑनलाइन करें तो अपने घर का एड्रेस बताने में गर्व महसूस करें। ये नहीं कि भैया पांडे भवन में लेते आओ और ये गुप्ता भवन में लेते आओ, समझ रहे हैं बात को। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो और भवन का आपको हम नाम यहाँ पर दिखाएंगे। ये भारत माता का खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर देखिए कुछ लोग आपको मिलेंगे कहेंगे कि यहाँ जमा कर लीजिए अपना सामान, वहाँ जमा कर लीजिए, लेकिन आप फ्री वाले लॉकर में जमा कराइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने अमरनाथ भवन है, अमरनाथ संकुल। तो कुछ इस प्रकार से नामकरण अलग अलग भवन का कर दिया गया है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं गंगा द्वार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भक्तगढ़, यहाँ पर सेल्फी ज़रूर लेते हैं। पहले से काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेस हो चुका है। पहले तो खैर स्पेस के नाम पर कुछ भी नहीं था,
किसी तरह से लोग अंदर मंदिर तक जा पाते थे गलियों से होकर के, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और अभी आप देख सकते हैं ये जो एक बाएं हाथ पर भवन है, त्र्यंबकेश्वर भवन, अलग अलग नाम है, खूबसूरत नाम है, सभी जो नाम आपको है वो देवताओं के नाम पे मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पानी के लिए मशीन लगी हुई है इसका नाम है पी लो। नाम रखने वाले ने कितना बढ़िया नाम रखा है, पी लो, नाम याद रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो या कोई कंपनी हो उसका नाम बहुत मायने रखता है। ये तराई कर रहे हैं, ठीक है, ये जो नई नई टाइल्स लगी हैं, पत्थर लगे हुए हैं, उनको पानी दिया जा रहा है ताकि वो मजबूती से पकड़ बना सके। सभी वर्कर्स यहाँ पर काम करते हुए। और ये सामने खूबसूरत प्रतिमा, यहाँ पर ये जो भवन है इसका नाम अभी लिखना बाकी है, यहाँ पर भी इसका नाम लिखा जाएगा। जितने भी भवन हैं सभी के नामकरण किए जाएंगे ताकि एक समय में कभी कोई बात हो या कोई चीज़ हो तो आप बताया जा सके कि फलाने भवन में ये चीज़ हो रहा है। ये सीढ़ियों से नीचे उतरकर अब हम चलते हैं इस गेट से बाहर, और बाहर के कुछ नज़ारे आपको हम दिखाते हैं यहाँ से। देखिए कितना भव्य लग रहा है ये गंगा द्वार। और गंगा द्वार इसे इसलिए बोला जा रहा है कि यहीं से गंगा जी बहुत करीब है। यहाँ पे देखिए कार्तिकेय संकुल, इस भवन का नाम है कार्तिकेय संकुल। इसे गंगा द्वार इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि गंगा जी के बिल्कुल करीब है। अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है तो गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे है, लेकिन बरसात के दिनों में और अदर दिनों में आप देखेंगे कि गंगा जी का जब जल स्तर बढ़ेगा तो गंगा का जल जो है वो इस मंदिर के काफ़ी करीब आ जाएगा। और उस समय परिस्थिति ये भी हो सकती है कि आप दशाश्वमेध घाट से होकर के इस गंगा द्वार से नहीं आ सकते हैं। जब पानी पूरा भर जाएगा तो आप ये कर सकते हैं कि गेट नंबर 4 से काशी विश्वनाथ जी में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आएंगे। आप इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं ताकि इन सीढ़ियों पे आप जा कर के स्नान ध्यान भी कर सकते हैं और उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको यहाँ पर इस चैनल पे बताते रहेंगे और महादेव का दर्शन कराते रहेंगे। हर हर महादेव।